हाय गाइस, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? तो आज हम बनाने जा रहे हैं मच्छी। ये तलबिया मच्छी है, अच्छे से हम साफ कर लिए हैं इसको। ये है बंगड़ी मच्छी, इसको भी हम अच्छे से साफ कर लिए हैं। दोनों प्रकार की मच्छी आई है, दोनों अलग अलग। तो इसमें अब हम मसाला डालते हैं तलने के लिए। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा बेसन, ये सबको मिक्स कर लेंगे। उसमें भी डाल लेते हैं नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, बेसन। इसमें बेसन कम लग रहा है। उसके बाद इसको तलेंगे। तलते हुए कभी दिखाऊंगी आप लोग को। इसको मिक्स कर लेते हैं पहले। इसमें मिक्स करते नहीं बन रहा है। लग रहा है बर्तन चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम मसाला तैयार कर चुके हैं। मिर्ची ले लिए हैं, 3 बड़ा कटा हुआ बारीक प्याज ले लिए हैं, 1.5 इंच अदरक ले लिए हैं, 2 लहसुन की कली ले लिए हैं। अब इसको छील लेते हैं। इधर तेल गरम हो चुका है, मच्छी डालते हैं। हम मच्छी डाल चुके हैं तलने के लिए। ये तलाते रहेंगे जब तक हम लहसुन छील लेते हैं। अदरक कूट चुके हैं, अदरक कूटा गया है। मसाला पीसने की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, जीरा डाल लेती हूँ 1 चम्मच, काली मिर्च, इलायची। हम बना रहे हैं मच्छी को चिकन मसाला में, तो चिकन मसाला पूरा डालेंगे। लौंग है 2 ठन, थोड़ा सा मीठी लकड़ी, इसको पीसेंगे। ये जयवंती, ये कुटी हुई मिर्ची को भी डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट कुटा चुका है, इसको भी डालेंगे। दिखाते हैं आगे मसाला। हम तलबिया मच्छी तल चुके हैं, अब इसको मसाले में बनाएंगे। अभी बंगड़ी मच्छी को तलना है, वो तो बहुत चटकती है। कई मच्छी ऐसे रहती है कि एक बार फ्राई करने से टाइट नहीं होती है, तो इसको डबल करना पड़ता है। तो मैं इसको डबल कर लेती हूँ, एक बार में टाइट नहीं हुआ है, तो इसको डबल फ्राई कर लेंगे। डबल में टाइट हो जाएगा। क्या है, कई लोग घर में सूखा भी मांगते हैं खाने के लिए, तो टाइट होना चाहिए, सब खाते हैं। देखिए, डबल फ्राई करने के बाद कितनी अच्छी हो गई मच्छी, टाइट हो चुकी है ये। और इसमें बेसन डाल कर तलने से ये रहता है मच्छी में, इसीलिए बेसन डाल कर मैं तलती हूँ। ये देखिए, ये बंगड़ी मच्छी डाली हूँ, ये फटफटा रही है। अब हम तेज़पत्ता इसमें डाल देते हैं, उसके बाद ये प्याज को डालेंगे, नहीं कस्तूरी मेथी डाल देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद प्याज डाल देंगे। जो बारीक प्याज काटे थे ये, इसको हम डाल देंगे पूरा। फिर इसको भूजेंगे। देखिए, प्याज लाल हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं अदरक, जो कूट कर रखे थे अदरक, उसको थोड़ा सा चला लेते हैं। नहीं, वो वाला बंद होगा बाद में। हाँ, वो दिखा दे। हाँ बोलो। हल्दी डाल चुकी हूँ, लाल मिर्ची भी डाल चुकी हूँ। वो किसी कारण से वीडियो हो नहीं रहा था, इसलिए उसको कैच नहीं कर पाई। अब धनिया डाल रही हूँ थोड़ा सा। उसके बाद ये मसाला पीस कर रखी हूँ। ये मसाला को हम डाल देते हैं जार में। जीरा, काली मिर्च पीस कर रखे थे और थोड़ा सा खटाई पीसे थे, उसको डाल। नमक डाल लेते हैं,
मच्छी का मसाला मिलकर पूरा रेडी है, हमें थोड़ा सा भून देंगे, उसके बाद मच्छी डाल देंगे, मच्छी डाल देंगे, थोड़ा सा और पानी डाल जाएगा इसमें। अब हम मच्छी डाल चुके हैं, ये देखिए इसका तरी भी ज़्यादा पतला नहीं किए हैं, थोड़ा सा खोलेगा क्योंकि खाने वाले कम हैं, इसलिए कम रखे हैं इसका तरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हमारा मच्छी बनकर तैयार हो चुका है, कटोरी में सर्व कर देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।